नेशनल रेलवे मजदूर संघ ने बरसों से ईसीसी सोसाइटी पर कब्जा जमाए बैठी है। आपको बता दें, सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष बीके सामंत ने नेशनल रेलवे मजदूर संघ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पत्रकार परिषद में बताया कि अब चुनाव का समय आ गया है इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ नेशनल रेलवे मजदूर संघ के सामने अपना उम्मीदवार उतारने का नारियल फोड़कर किया ऐलान। इस तरह की जानकारी चेयरमैन बीके सामंत ने पत्रकार परिषद में दी। आगे देखिए पूरी खबर। दोस्तों, ये इसी सोसाइटी का चुनाव है। इसी सोसाइटी जो सभी हमारे रेलवे जो कर्मचारी है, सेंट्रल रेलवे के कर्मचारी है, वेस्ट सेंट्रल के है और एनसीआरएस के जो कर्मचारी है, इनको लोन देने का काम करती है। और ये जो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर जो कर्मचारियों को डिविडेंड मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। और साथ साथ जो सोसाइटी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं है। और जो भ्रष्टाचार, जो सोसाइटी के जो पैसे, जो कामगारों की जो गाड़ी कमाई है उसको इन्होंने कहीं कहीं जो जैसे बंद हुई बैंक को, ये कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था, उसको भी उस पैसे को रिस्टोर कराना है। साथ साथ जो बैच का रेट है, जो कर्मचारी बैच पे पैसा ले रहा है, उस रेट को सभी के लिए कॉमन करवाना है। जो 5.5% है, हमारा वादा है कि हम लोग 5% तक उसको लाएंगे। और सोसाइटी का जो डिविडेंड हम लोग प्रतिवर्ष कर्मचारियों को देते हैं वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हम देने की कोशिश करेंगे। जो सिर्फ इन लोग इलेक्शन के मद्देनज़र 5 साल में एक बार इन लोग बढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग हर साल सही ढंग से देने का काम करेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हम लोग तिरंगे झंडे के नीचे सेंट्रल में मजदूर संघ के पैनल के अंतर्गत ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। मटुंगा के 12 सीट है, 12 के 12 सीट हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। यही उम्मीद और सभी का सहकार्य हमें रहेगा। धन्यवाद।